हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेर एकेडमी में। आज की वीडियो में हम पोस्टर मेकिंग की स्टडी करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको पोस्टर मेकिंग में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए हम सबसे पहले पोस्टर का मतलब समझ लेते हैं। तो पोस्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन या फिर अवेयरनेस फैलाना। देखिए, हमारी चीज़ कुछ भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन या अवेयरनेस फैलाना पोस्टर का काम होता है। कोई भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन या अवेयरनेस फैलाना पोस्टर का काम होता है। हमने समझ लिया कि पोस्टर होता क्या है। उसके बाद पोस्टर हमारा होना कैसा चाहिए। देखिए, पोस्टर अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव एंड आई कैचिंग होना चाहिए। अगर कोई अजनबी भी आपका पोस्टर देख रहा है तो उसको एकदम अच्छा लगना चाहिए, पहली नज़र में उसको वो पोस्टर पसंद आ जाना चाहिए। यानी कि आपको अट्रैक्टिव लिखना होगा, इम्प्रेसिव लिखना होगा और आई कैचिंग लिखना होगा। उसके बाद है हमारा की पॉइंट्स। की पॉइंट्स यानी कि हमें पोस्टर लिखते टाइम किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला है हमारा टाइटल या फिर हेडिंग। आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद आपको हेडिंग सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद हाईलाइट सम पॉइंट्स। हेडिंग आपने सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना होगा। और थर्ड है हमारा एड स्लोगन्स। देखिए, अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड स्लोगन्स आते हैं, नारे आते हैं, तो ये मानिए आपका सोने पे सुहागा वाला काम होगा। इतनी चीज़ हमने समझ ली। सबसे पहले हमने समझ लिया कि पोस्टर क्या होता है। किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन या फिर अवेयरनेस फैलाना पोस्टर का काम होता है। पोस्टर हमारा अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव एंड आई कैचिंग होना चाहिए। और पोस्टर लिखते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले हमारा टाइटल या फिर हेडिंग। आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद आपको टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। टाइटल जो हमने सेलेक्ट किया उससे रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना होगा। और लास्ट में हमारा एड स्लोगन्स, हमें नारे कुछ ऐड करने होंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, उसके बाद हमें क्वेश्चन ले लेते हैं। डिज़ाइन एंड अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज़ ऑफ ड्रग्स। हमें ड्रग्स के यूज़ के अगेंस्ट एक अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको प्रॉपर तरीके से एक बॉक्स बना लेना है एक पेज पर। देखिए, इसमें बॉक्स बन नहीं सकता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें लिखनी है, यह बात याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट, हम टाइटल लिख देंगे। तो टाइटल हमारा अट्रैक्टिव होना चाहिए। टाइटल है हमारा ड्रग्स डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। आप कैपिटल लेटर्स में टाइटल को लिख दें, ड्रग्स डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। आपने इतना लिख दिया, आप ब्लैक पेन से भी टाइटल लिख सकते हैं, लेकिन रेड पेन का यूज़ आपको बोर्ड एग्जाम्स में नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, रेड पेन का यूज़ नहीं करना है, ब्लैक पेन का यूज़ करें। उसके बाद जो कुछ पॉइंट्स हमें हाईलाइट करने हैं वो है, हमारा पहला पॉइंट है, डू यू लव योरसेल्फ। क्या आप अपने आप को प्यार करते हैं। देखिए, अगर आपको स्टार्स या फिर कुछ और क्रिएटिविटी आती है तो वो आप कर सकते हैं। अगर नहीं आती है तो फालतू आपको क्रिएटिविटी करने की ज़रूरत नहीं, आप नॉर्मल भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका कंटेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए। देखिए, अगर आपको स्टार्स नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपल एक डॉट के ऊपर एक और सर्कल बना दें तो आपका ऐसा पॉइंट्स बन सकता है। उसके बाद आपने लिख दिया, डू यू लव योरसेल्फ। पहला पॉइंट हमारा, डू यू लव योरसेल्फ। उसके बाद हमने यहाँ पर एक एरो लगा दिया। देखिए, यहाँ पर ऐसा बन नहीं सकता, लेकिन आपको अपनी कॉपी में एक एरो ऐसा बना देना जो भी हम पॉइंट्स लिखेंगे उनके नीचे। डू यू लव योर फैमिली, सबसे पहला पॉइंट था, डू यू लव योर सेल्फ, क्या आप अपने आप को प्यार करते हैं। उसके बाद हमने एक एरो लगा दिया, दूसरा पॉइंट लिख दिया हमने, सेम ऐसा ही करना है, हमें इस टाइप से पॉइंटिंग करनी है। डू यू लव योर फैमिली, क्या आप अपने फैमिली को प्यार करते हैं। ये दो पॉइंट हो गए हमारे। उसके बाद डू यू लव योर फैमिली, फिर हमको एरो लगा देना है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, इफ़ यस, अगर हाँ तो। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर हमें एक एरो लगा देना है, से नो टू ड्रग्स। इफ़ यू लव योर सेल्फ, इफ़ यू लव योर फैमिली, इफ़ यस देन से नो टू ड्रग्स। अगर आप अपने आप को प्यार करते हैं, अगर आप अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, अगर हाँ तो आपको ड्रग्स के यूज़ को रोकना होगा। जो आप ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो उसको छोड़ना होगा। यहाँ तक हमारा पोस्टर हो गया है। अब देखिए, उसके बाद हम एक कोट ऐड कर देंगे, ड्रग्स आर नॉट कूल, दे मेक यू लुक लाइक फूल। ड्रग्स आर नॉट कूल, दे मेक यू लुक लाइक फूल। देखिए, ये स्लोगन्स ये मानिए कि आपको सोने पे सुहागा वाला काम करेंगे। अगर आप 3 मार्क्स गेन कर रहे हैं और आप अच्छा सा एक स्लोगन लिख कर आ जाएंगे तो आपका जो एग्जामिनर होगा वो इम्प्रेस हो जाएगा और आपको कम से कम
चार मार्क्स मिल जाएंगे, चार में से चार मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट लिख देंगे ड्रग्स। देखिए इनको आपको बॉक्सेस बना के लिखना है, इन तीनों को, अगर ड्रग्स वाला आता है तो आपको तीनों को बॉक्सेस बनाकर लिखना है और इस टाइप से एरोस लगा देना है। ड्रग्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, ड्रग्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, यहाँ तक हमारा हो गया है। सबसे पहले हमने क्या स्टडी की, पोस्टर होता क्या है। तो किसी भी चीज़ या प्रोडक्ट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन या फिर अवेयरनेस फैलाना पोस्टर हमारा कहलाता है। पोस्टर अट्रैक्टिव, आई कैचिंग और इम्प्रेसिव होना चाहिए। पोस्टर लिखते टाइम हमें तीन बातों का ध्यान देना है, सबसे पहला हेडिंग या फिर टाइटल, दूसरा है हाईलाइट सम पॉइंट, तीसरा है एड स्लोगन। उसके बाद हमने पोस्टर लिखना स्टार्ट किया तो आपको एक प्रॉपर तरीके से स्क्वायर बॉक्स बना लेना है। स्क्वायर बॉक्स में आपको सब कुछ लिखना है। अगर आपको क्रिएटिविटी नहीं आती, स्टार सब कुछ नहीं बनाना आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल तरीके से भी लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको रेड पेन का यूज़ नहीं करना है, ये बात आपको याद रखनी है। आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं। ड्रग्स डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, आपने हेडिंग डाल दी, सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर्स में ये हेडिंग डाल देनी है। उसके बाद हमने पहला पॉइंट लिख दिया डू यू लव योर सेल्फ, उसके नीचे हम एरो लगा देंगे। दूसरा पॉइंट लिखने से पहले डू यू लव योर फैमिली, इतना हो गया हमारा। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है इफ यस, अगर हाँ देन तो, अगर आप अपने आप को प्यार करते हैं, अगर आप अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, अगर हाँ तो से नो टू ड्रग्स, आपको ड्रग्स को ना करना पड़ेगा। अगर आप ड्रग्स यूज़ करते हैं तो उसको आपको अवॉइड करना होगा, इतना होगा या हमारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम एक स्लोगन ऐड कर देंगे, ड्रग्स आर नॉट कूल दे मेक यू लुक लाइक फूल, इतना होगा या हमारा। उसके बाद अगर ड्रग्स वाला आता है तो आपको ये तीन जो नीचे पॉइंट्स हैं इनको भी बॉक्सेस में बंद करना है और ऐसे एरोस लगा देना है। ड्रग्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, और आपको बॉक्स अच्छी तरीके से बंद कर देना है, इतना होगा हमारा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।